हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग पर्यायवाचियों को समझ रहे हैं और इस की पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ आपको टेलीग्राम चैनल में। आप चले जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको समझते रहिए अच्छे से। जहाँ पर ट्रिक लगाने का ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। तो अभी यमुना को हम एक दो बार पहले भी देख चुके हैं, पर फिर दोबारा देखते हैं क्योंकि हर बार कुछ नई बात होती है और आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो यमुना जो है वो सूर्य सुता कहलाती है। आपको पता है कि सूर्य की पुत्री है। सुता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। और सूर्य जो है वो तो सूर्य है ही, सन का पर्यायवाची है, सन का सिनोनिम है। रवि सुता, सूर्य तनया, एक ही सब बात, सब एक ही बात निकल के आ रही है। सूर्य सुता कहो, रवि सुता कहो, सूर्य तनया, तनया भी बेटी के लिए प्रयोग होता है, सुता भी बेटी के लिए प्रयोग होता है। जो ज है, ज अगर कहीं पे ज लगा होता है इसका मतलब होता है जन्मा, जन्म, इससे मतलब होता है जन्म। और ज कहीं पे लगा होता है तो ये मेल के संदर्भ में आता है, पुरुष के संदर्भ में आता है। जहां पर ज लगा होता है वो स्त्री के संदर्भ में आता है। तो भानु किसका पर्यायवाची है? भानु सूर्य का पर्यायवाची है। और भानुजा यानी कि भानु से उत्पन्न है, भानु की पत्नी पुत्री है, क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद कालिंदी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, और तरणी तनुजा भी इनको ही कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अतिथि की बात कर लेते हैं, गेस्ट की बात कर लेते हैं। तो अतिथि, अभ्यागत और आगंतुक, ये शब्द तो आपने सुने होंगे संस्कृत में। ये संस्कृत में शब्द बोले जाते हैं इस प्रकार से, पर यदि हम देखें लोकल भाषा में तो किसी किसी क्षेत्र में पाहुन बोलते हैं। देखो जो जीजा जी होते हैं, जो जीजा होते हैं उनको पाहुन बोलते हैं, और मेहमान भी कहते हैं कि भाई मेहमान। सामान्यतः मेहमान अतिथियों के लिए भी होता है, पर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो पाहुन कहते हैं और मेहमान कहते हैं। हमारा जो क्षेत्र है मुजफ्फरनगर के आसपास का जो एरिया है, शामली के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाहुन जो शब्द है इसको मतलब अलग तरह से बोला जाता है। जो शामली से देख रहे होंगे, मुजफ्फरनगर मेरठ की तरफ से देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि पाहुन ना बोल के पाहवणा बोला जाता है, पाहवणा, कि भाई हमारे यहाँ पाहवणा आया हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभ्यागत हो गया, आगंतुक हो गया, पाहुन हो गया, मेहमान हो गया, ये अतिथि के लिए। उसके बाद जो कामदेव है, कामदेव जो शब्द है ये आपको याद रखना है। जो कामदेव हैं, जो आपको पता होगा कि भगवान शंकर ने इनको जला के भस्म कर दिया था, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको मदन बोलते हैं, मदन, ठीक है। काम, काम भी कहते हैं, काम भी कहते हैं। और एक शब्द है मार, मार भी कहा जाता है इनको, है ना। काम और मार भी कहा जाता है इनको। मनमत कहा जाता है, मनमत यानी कि मन को मत के रख देता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर कामेच्छा उत्पन्न होती है तो उसके मन का मथन हो जाता है, दिमाग घूम जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये हो जाता है। मनोज भी कहते हैं इनको, मनोज, मनोज भी कहते हैं। और कंदर्प भी कहते हैं, कंदर्प भी कहते हैं। भगवान को कहा जाता है कंदर्प दर्प दलित, है ना, कि कंदर्प के भी दर्प को, अहंकार को दूर करने वाले हैं, इतने सुंदर है भगवान। उसके बाद भ्रमर को हम देख चुके हैं। भ्रमर है, मधुकर है, अली है, मधुप है, भंवरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विष्णु के हैं, विष्णु, केशव, केशव है ना, केशव बोला जाता है, चक्रपाणि बोला जाता है, चक्रपाणि। आपको बताया जो विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु हैं, उनके हाथ में क्या रहता है? चक्र रहता है। तो चक्र है, और पाणि का शब्द का अर्थ होता है हाथ में, पाणि शब्द का अर्थ होता है हाथ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नारायण भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं, और भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, और राम भी, राम भी इसी इनके लिए प्रयोग किया जाता है। राम भी है, कृष्ण भी है। आपको पता होगा भक्ति काल में जो हमारी धाराएं हैं, एक तो निर्गुण भक्ति शाखा है, एक सगुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा में रामाश्रयी है और कृष्णाश्रयी है। तो रामाश्रयी की जब विशेषताओं में जाते हैं तो ऐसे संत जिन्होंने विष्णु उपासना को रामोपासना से जोड़ते हुए देखा वो रामाश्रयी कहलाए, और जिन्होंने विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को अपना उपास्य आराध्य माना वो कृष्णाश्रयी कहलाए। तो ये सब में भेद नहीं है। लोग लड़ते रहते हैं कि राम जी के भगत हैं, कृष्ण जी के भगत हैं,
विष्णु के भगत हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ये पता नहीं क्यों हंसते होंगे देख के भाई, पता नहीं क्या चीज चल रही है। तो और भी नाम है, दामोदर नाम है, दामोदर, दाम कहते हैं रस्सी को, दाम कहते हैं रस्सी को, और उधर का मतलब होता है पेट, यानी कि जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है उनको दामोदर कहते हैं। आपको पता होगा यशोदा जी ने कृष्ण जी की कमर में रस्सी बांधकर उखल से बांध दिया था, तो तब से दामोदर हुए। ठीक है, केशव हुए, नारायण हुए, गोविंद हो गए, ठीक है, ये सब नाम उन्हीं के। उसके बाद पेड़ का जो पर्यायवाची वृक्ष है, बिटप है, तरु है, द्रुम है, रुख, पादप और दरख्त भी कहते हैं। दरख्त, दरख्त कहा जाता है, आपको पता होगा कि भाई बहुत विशाल दरख्त है, ऐसे बोलते हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं। उसके बाद मेघ के, मैंने क्या बताया था कि जल के पर्यायवाचियों में द लगा दो, जल के पर्यायवाचियों में द लगा दो, आपके बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो मेघ है, वारी किसका पर्यायवाची है, देखो वारी किसका पर्यायवाची है, वारी जल का पर्यायवाची है, द लगते ही बादल का बन गया। अंबु किसका पर्यायवाची है, अंबु पर्यायवाची है आपके जल का, और द लगते ही बादल का हो गया। अब ये अलग है, बलाहक है और घन है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बहिन, जो बहन होती है, सिस्टर होती है, उसको भगिनी कहते हैं, ये भागिनी नहीं है, भगिनी, भगिनी कहते हैं, बहन तो होता ही है, बहिन भी कहते हैं, सहोदरा भी कहते हैं, सहोदरा, सहोदरा क्या मतलब है, सह जमा उदरा, है ना, सह जमा उदरा, यानी कि जो एक ही उदर से उत्पन्न हुए हैं। अब कहा जाता है जैसे आपका बिल्कुल सगा भाई है, छोटा भाई है, उसको कहा जाएगा सहोदर है, यानी कि मेरा ये मेरे माता पिता की संतान है, जिन माता पिता की संतान मैं हूं उन्हीं की ये है। तो छोटा भाई बड़ा भाई सहोदर हुआ और बहन हुई सहोदरा। दीदी कहते हैं, जीजी कहते हैं, और जीजा की जिनसे शादी, जीजी की जिनसे शादी होती है उनको जीजा जी कहते हैं। पर आजकल तो पता नहीं क्या लोग बोलने लगे, अब जीजू हो गया है, पता नहीं क्या बोलते हैं लोग भी कि जीजू आए हुए हैं हमारे। चलो भाई, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भावना है लोगों की। चलिए अगला देखिए, शिक्षक का देखते हैं। शिक्षक अध्यापक होता है, आचार्य होता है, गुरु होता है, प्रवक्ता, गुरु भी होते हैं, प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब बताते हैं, व्याख्याता होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ समझनी चाहिए। उसके बाद सर्प को हम देख चुके हैं पहले से ही, भुजंग है, भुजंग मैंने बताया था ना आपको कि भुजंग कैसे खड़ा हो जाता है, भुजंग ऐसे एकदम खड़ा हो जाता है पूरा ऐसे, और ये पूंछ रहती है पूरी की पूरी। तो इसमें आपको देखना है, तो ये इस तरह से सांप इस तरह से रहता है, भुजंग उसको कहा जाता है। उसके बाद उरग, ब्याल, ब्याल आपको ध्यान रखना है, उरग, उरग को ध्यान रखना। उरग का मतलब क्या होता है, उरग का मतलब होता है जो पेट के बल चलता है, पेट के बल चलता है। नाग आपको पता ही है, और ये पन्नग है, क्या है, पन्नग, पन्नग भी सर्प को कहा जाता है। अब अमृत है, अमृत, अमृत देखो चंद्रमा को भी अमृत बोला जाता है, चंद्रमा को भी अमृत बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोम किसका पर्यायवाची है, सोम चंद्रमा को ही कहते हैं, सोम, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची भी है। सुधा कहते हैं, सुधा, पीयूष कहते हैं, पीयूष के भाई हमको पी के और आयुष बन जाना है, हमेशा के लिए अमर बन जाना है। अमीय कहते हैं, अमी भी कहते हैं और अमीय भी कहते हैं, और सुरभोग भी कहते हैं, यानी कि देवता जिसको आरोगते हैं, देवता जिसको पीते हैं, उसको अमीय कहते हैं, सुरभोग कहते हैं। उसके बाद सरस्वती, सरस्वती को क्या कहते हैं, वीणा पाणी, यानी कि वीणा को पाणी का मतलब क्या है, हाथ में, वीणा पाणी का मतलब क्या है, हाथ। अब ये राजस्थानी में पाणी मत चले जाना, पाणी का मतलब पाणी हो वैसे, पर ऐसो नहीं है, ऐसो बात नहीं है, यहाँ पे सीधी बात ये है कि पाणी का मतलब यहाँ पे हाथ से है, और वीणा का मतलब आपको पता होगा एक किस तरह से ये वाद्य यंत्र होता है, यहाँ पे एक डब्बा सा लगा होता है और इधर होता है, और ऊपर ऐसे स्ट्रिंग से होते हैं, उसको बजाया जाता है, तो वीणा होती है, जो एक खाली ऐसे ही रहता है, ऐसे उसमें डब्बा सा रहता है, बी जैसा होता है, वह सितार होता है। चलिए, तो सरस्वती का क्या हुआ, वीणा पाणी हुआ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर आपको क्लियरली सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो वीणा पाणी हो गया, वाक हो गया, वाक मतलब जिनसे बोला जाता है, वाणी हो गया, भारती हो गया, शारदा हो गया, और भी बोला जाता है, और आप क्या बोला जाता है कमेंट में आप मेरे को बताएंगे, पहले मैंने पढ़ाया है। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है अवनी, अवनी आपको याद रखना है। अचला, अचला यानी कि अचल, अचला को देखेंगे हम, अचला को यहाँ पे देखेंगे हम, अ जमा चला ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो चलती नहीं है, धरती जैसी रहती है वैसी रहती है। अब हम पृथ्वी, आप बोलेंगे कैसा रहा, हम ज्योग्राफी पढ़ गया है, पृथ्वी घूमती है, हाँ वहाँ पे फैक्ट सही है, पर याद रखने के लिए क्या है, जहाँ पे आप खड़े हैं, अब ये तो आपको यहीं मिलेगी, ये थोड़ी
कि आज हम जागे हैं तो आज हम अपना घर के सामने खेतों में, कल वो देखा एफिल टावर हमारे सामने खड़ा है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए अचला आपको ध्यान रखना है, उसके बाद मही ध्यान रखना है, मही, उसके बाद धरा याद रखना है, इला याद रखना है, वसुंधरा याद रखना है, वसुंधरा वसुंधरा, ठीक है, भू याद रखना है, भूभाग याद रखना है, ऐसे सब चीजें ये आपको याद रखनी है। उसके बाद दर्पण, दर्पण जो होता है शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, सज्जा करते हैं कि भाई हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये वो चीज है शीशा। इसको प्रतिमान भी कहते हैं, आयना भी कहते हैं, प्रतिबिंब भी कहा जाता है, प्रतिबिंबक, सॉरी प्रतिबिंबक, जिसमें प्रतिबिंब यानी कि आपकी परछाई जिसमें दिखती है, आपका अक्ष जिसमें दिखता है, उसको बोला जाता है प्रतिबिंबक, और आदर्श भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आता है ध्वज। ध्वज क्या होता है? झंडा होती है, पताका होती है, निशान चढ़ते हैं, आपको पता होगा जो राजस्थान की तरफ के क्षेत्र के, हरियाणा की तरफ के क्षेत्र के हैं, जाहरवीर एक देवता है, उसमें बड़े प्रसिद्ध देवता हैं, और नवमी में भादवे के समय नवमी में मेला वगैरह लगता है, बड़ा उत्सव होता है, गोरखनाथ जी के शिष्य बताए जाते हैं, गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, तो वहाँ पे ऐसे एक ऐसे डंडा रहता है, ऐसे पूरा डंडा रहता है, उस डंडे पे इस तरह, मैं थोड़ा मिटा के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, जिससे आपको क्लियरली सब चीज़ समझ में आ जाए, ऐसे निशान होता है। तो निशान का मतलब भी क्या हुआ? झंडा ही हुआ। केतु भी कहते हैं, केतु भी कहते हैं, जैसे भगवान शंकर का नाम है, आपको बताएं अब एकदम दिमाग से निकल गया, ब्रख ध्वज बोला जाता है, ब्रख केतु ऐसे बोला जाता है, ब्रख केतु ऐसे संस्कृत में, अब देखो ये है तो वृष पर संस्कृत में क्या बोला जाता है, इसको ख पढ़ा जाता है, इसको ख पढ़ा जाता है, क्ष को जो क्ष है हमारा, इसको ख पढ़ा जाता है, तो ब्रख केतु बोला जाता है, यानी कि केतु क्या हुआ, झंडा हुआ, और जिनके पास झंडा, किसके झंडे पे किसका साइन है, ब्रख का, ब्रख किसको कहते हैं, ब्रख कहते हैं बैल को, नंदी बैल उनका सवारी है, तो ब्रख केतु कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद केतन भी कहा जाता है, केतन भी किसको कहते हैं, झंडे को कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, चंद्रमा को क्या कहते हैं, सुधाकर, सुधाकर कहते हैं, राकेश, राका का ईश है, जो राका क्या होती है, पूर्णिमा की रात्रि को कहते हैं, मृगांक कहते हैं, रजनीपति यानी कि रात का पति, निशापति यानी रात का पति, सारंग भी कहते हैं। देखो अब इसमें काफी सारे आपके हो गए, अब मैं आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा जल्दी ही, और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही इन सबको देखेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा और आपको चीजें समझ में आ भी रही होंगी, तो चलिए देखते हैं आगे इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।